हेलो एवरीवन, रुचिका दिस साइड, वेलकम टू हिडन ट्रेजर। और वीडियो देख के मत सोचिएगा कि आज मैं आपको कहीं सिंगापुर या दुबई घुमाने लाई हूँ। मैं मुंबई में ही हूँ और ये बांद्रा वर्ली सी लिंक है, विच इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू बी। इसमें दोनों साइड में सी का व्यू बहुत अमेजिंग आता है और स्काईलाइन भी बहुत ही सुंदर दिखती है मुंबई की इससे। और मैं आज आइकिया जा रही हूँ। आइकिया जाने के लिए मैं उतनी एक्साइटेड होती हूँ जैसे कोई छोटे बच्चे डिज्नीलैंड जाने के लिए होते हैं। बेसिकली इट इज़ माय डिज्नीलैंड एंड वी आर इन आइकिया वर्ली। इट्स अ डबल स्टोरी बिल्डिंग विद अ वेरी बिग लैंडस्केप एंड इफ़ यू आर कमिंग बाय योर ओन व्हीकल तो आपको पार्किंग यहाँ पे इजीली मिल जाएगी बाय पेइंग 150 रुपीस। लेट्स एंटर द स्टोर गाइस। और ये आइकिया के मॉडल रूम्स एंड किचन्स हैं। मुझे ये बेस्ट चीज़ लगती है आइकिया की क्योंकि इनसे हमें बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं। अगर हमें घर में कोई भी होम इम्प्रूवमेंट करना है या फिर रूम मेकओवर्स करने हैं या किचन में आपको कुछ मेकओवर करना है, सो बेसिकली ये मॉडल रूम्स आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ देंगे एंड दे इंस्पायर यू टू डू डिफरेंट थिंग्स इन योर हाउस। और मैं आपको फ्लोर वाइज टूर नहीं दे रही हूँ इस वीडियो में। जो मुझे वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी विच कैन इंस्पायर यू टू शॉप, मैं आपको वो दिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद माय फेवरेट सेक्शन, दैट इज़ क्रॉकरी सेक्शन। और मुझे ये टेबल प्लेसमेंट सबसे पहले बहुत सुंदर लगा। ग्रीन प्लेट्स वर लुकिंग अमेजिंग और ये भी ब्लू ग्लासेस बहुत अच्छे एंड देवर वेरी रीजनेबल ऑल्सो। 599 की ये 6 का सेट था। I really love them. Even these blue glasses are very beautiful and very affordable. और ये कुछ और glasses थे, again ये ceramic में बहुत अच्छा range आया हुआ था। 4 का set था ये और इसके साथ के bowls थे which I find them very nice. अगर कुछ serving के लिए ये मुझे बहुत अच्छा option लगा। ये रेगुलर यूजेज के लिए इनके प्लेट्स एंड बाउल्स का सेट थे जो आप डिज़ायर क्वांटिटी में ले सकते हो एंड दे आर वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो। 149 ईच की प्लेट थी एंड इसका बड़ा बाउल भी 149 का ही था विच आई रियली फाइंड देम कूल। और ये छोटे वाले दाल करी बाउल्स थे जो अगेन 50 रुपीज़ ईच का था। मुझे रेगुलर यूसेज के लिए ये बहुत अच्छे लगे। देवर माइक्रोवेव सेफ, डिश वॉशर सेफ, तो आप इसको रेगुलर यूसेज में बहुत ईजली यूज़ कर सकते हो। ये क्वार्टर प्लेट्स थे इसके एंड दीज आर द बिग बाउल्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट। अगेन बहुत अच्छे लगे मुझे ये भी रेगुलर में अगर आपको यूसेज करने हैं तो। और ये बड़े बाउल्स भी आप किसी भी नंबर में ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। और ये जो कलर्ड सिरेमिक क्रॉकरी है ये मुझे आइकिया की बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। स्पेशली द पिंक प्लेट्स दे वर वेरी क्यूट। कंटेनर्स एंड कनिस्टर्स का भी आपको बहुत बड़ा रेंज आइकिया में मिलेगा। स्पेशली इनके प्लास्टिक कंटेनर्स फ्रिज स्टोरेज के लिए बहुत अच्छे हैं। इवन ग्लास के एंड टिन कंटेनर्स आर ऑल्सो वेरी नाइस। ये सर्विंग बाउल्स थे जो मुझे अगेन बहुत अच्छे लगे एंड दे वर वेरी अफोर्डेबल। बेस्ट थिंग अबाउट आइकिया इज आपको सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा। वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय या आप इसमें भी देख रहे हो, यू कैन ऑर्डर देम ऑनलाइन ऑल्सो। ये स्टील के बाउल्स थे, बड़ा बाउल आटा गूंदने के लिए या फिर बेकिंग के लिए, दे वर वेरी नाइस। और इवन ये छोटी कटोरियाँ भी जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो अगर आप ग्लास नहीं यूज़ कर सकते हो या सिरेमिक नहीं यूज़ कर सकते हो तो उसके लिए बहुत अच्छे थे। ये कुछ डिस्काउंटेड स्टफ था वहाँ पे जहाँ पे यू विल गेट अमेजिंग डील्स। और बहुत अच्छी डील्स थी इनमें भी एंड यू विल गेट नाइस क्रॉकरी देयर। और ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे प्लास्टिक की कलरफुल प्लेट्स थी बच्चों की बर्थडे पार्टीज में भी के लिए भी एंड दे वर वेरी इकोनॉमिकल। ये सेट 6 का 99 की प्लेट्स थी, स्पून का 50 का पैक था एंड आई फाइंड देम रियली कूल। Thank you.
सैंडल्स थे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एंड जस्ट चेक आउट द साइज़, इतने बड़े साइज़ के टी टॉवल्स मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं और मैं जब भी आइकिया जाती हूँ तो ये ज़रूर लेती हूँ। और ये कुकवेयर रेंज थी आइकिया की। बेस्ट थिंग इज़ चाहे आपकी फैमिली छोटी है बड़ी है, आपके यहाँ गेस्ट ज़्यादा आते हैं कम आते हैं, वॉट एवर इट इज़ यू विल गेट एनी साइज़ विच एवर यू वॉन्ट एंड द क्वालिटी इज़ वेरी गुड एंड द प्राइस इज अफोर्डेबल। और ये टी केटल्स थी विच अगेन आई फाइंड देम वेरी क्यूट। और नाउ वी विल गो टू डेकोर सेक्शन। डेकोर के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस यू विल गेट इन आइकिया। ये ग्लास के वासेस थे जो मुझे बहुत सुंदर लगे एंड दे वर वेरी इकोनॉमिकल ऑल्सो, 449 का ईच था, वेरी ब्यूटिफुल। और ये छोटे छोटे से एलिफेंट्स आए हुए थे, बहुत ही क्यूट, ब्रास का था एंड अगेन बहुत ही क्यूट पीस थे। वासेस की बहुत अच्छी रेंज और बहुत बड़ी रेंज आई हुई थी आइकिया में इस टाइम पे एंड इनके ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी बहुत सुंदर लगते हैं मुझे एंड द क्वालिटी इज़ वेरी नाइस अगेन। आर्टिफिशियल प्लांट्स की भी बहुत बड़ी रेंज आइकिया में मिलती है एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग तो आपको गार्डनिंग के लिए पॉट्स वगैरह भी बहुत ईजिली मिल जाएंगे। एंड कैंडल्स आर मस्ट बाय इन आइकिया, इनके कैंडल्स की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है एंड यू कैन बाय कैंडल्स फॉर योर बाथरूम और फॉर योर लिविंग रूम, फॉर योर किचन, आप कहीं के लिए भी ले सकते हो। इवन आप अपने किसी कबर्ड में अगर इनकी कैंडल रख भी दोगे तो आपके कबर्ड में से भी एक अलग लेवल ऑफ फ्रेग्रेंस आने लगेगी। दिस इज़ समथिंग आई लव, द कलर्स आर वेरी क्यूट एंड वेरी ब्यूटिफुल। और ये छोटे छोटे से कैंडल होल्डर्स भी थे विच अगेन आर वेरी इकोनॉमिकल, 150 ईच का ये था, जो दिवाली डेकोरेशंस के लिए भी बहुत अच्छे एक बाइंग है। और इसमें ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा फूशिया पिंक कलर आया हुआ था विच आई जस्ट अडोर, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था एंड स्पेशली दिवाली डेकोरेशंस के लिए इट विल लुक वेरी एस्थेटिक एंड वेरी ब्यूटीफुल पीस। ये बुक शेल्फ का मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, अगर आपको कोई वॉल पूरी कवर करनी है तो यू कैन बाय दिस। और ये लाइटिंग की रेंज थी इनकी, अगेन यू विल गेट सम अमेजिंग लैम्प्स और बहुत अच्छी डील्स में आपको यहाँ पे मिलेंगे। किड्स रूम के लिए बहुत क्यूट से लैम्प्स आए हुए थे एंड वेरी इकोनॉमिकल, ये मेरे ख्याल से 1290 का लैम्प थे एंड दे वॉल लैम्प्स हैं ये एंड दे वर वेरी क्यूट। और ये एक लैम्प पे कुछ डील चल रही थी, बहुत ही अच्छे प्राइस पे आया हुआ था 1745 में, आई रियली लव इट। और ये बहुत, इसकी क्वालिटी, फैब्रिक बहुत अच्छा था डाइनिंग रूम के लिए या फिर इवन फॉर बेडरूम, आई रियली लव देम। और ये अगेन आई एम बैक टू मॉडल किचन्स वाले एरिया में, इनका फर्निशिंग सेक्शन भी बहुत अच्छा था, यू विल गेट नाइस बेड शीट्स, इवन बेड कवर्स भी उनके बहुत अच्छे थे। बट हमारी शॉपिंग ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे को वहाँ जाना ही अलाउड नहीं था, सो मे बी नेक्स्ट व्लॉग यू विल सी दैट और सम अदर डे। सो इफ़ यू लाइक द व्लॉग प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।